हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी अवर एनवायरनमेंट की पार्ट थर्ड वीडियो है, जिसमें हम आपको दो दो नंबर के क्वेश्चंस बता रहे थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड में। आप अगर आप इन्हें जाने से पहले एक बार देख लें तो आपको गारंटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे उसमें। ये मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी ट्रैप्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय प्लांट। सोलर एनर्जी की यानी सोलर एनर्जी का कितना परसेंट एनर्जी वो मतलब प्लांट्स जो है यूटिलाइज करते हैं और ट्रैप करते हैं, तो ध्यान रखना है हमको इसका आंसर क्या है। भाई प्लांट्स यूटिलाइज्ड ओनली 1% ऑफ टोटल सन्स एनर्जी, यानी कि सन्स एनर्जी का, सन की जो एनर्जी है उसका टोटल, यानी कि सन की जो टोटल एनर्जी का 1% हिस्सा ही यूटिलाइज करते हैं, जो कि किस फॉर्म में यूटिलाइज होता है, किस काम में आता है भाई, उसको फोटोसिंथेसिस के काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर दी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं भाई, इट मेक्स द सोइल एसिडिक, इससे क्या होता है मिट्टी जो हमारी एसिडिक हो जाती है। दूसरा, इट मेक्स द वाटर ऑफ लेक्स पॉन्ड्स एसिडिक, यानी कि नदियों का और तालाबों का जो पानी है वो सब एसिडिक हो जाता है, जिससे एक्वाटिक लाइफ खत्म हो जाती है। तीसरा, यूजफुल बैक्टीरिया आर किल्ड, यूजफुल बैक्टीरिया जो होते हैं वो सारे मर जाते हैं। तीसरा, इट अफेक्ट्स एन मॉन्यूमेंट एंड बिल्डिंग, और ये ऐतिहासिक बिल्डिंग वगैरह जो होती हैं उन पर नुकसानदायक होती है उनके लिए भी, उनकी दीवारों को चटका देती है, दरारें कर देती है उसमें। नेक्स्ट चलते हैं, गिव रीजन लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन द सन। हमें एक ऐसा रीजन बताना है जिससे हमें ये पता चले कि हमारी जो लाइफ है वो सन पर डिपेंड है, तो बता सकते हैं आप इसे। भाई सन जो है हमारा एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, सन जो है हमारा एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑन द अर्थ, यानी कि भाई सन से एनर्जी प्लांट लेते हैं, प्लांट क्या करते हैं इस एनर्जी को सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और अपना भोजन बना लेते हैं, जिससे एनर्जी फिर दूसरे टॉपिक लेवल पर, फिर उससे नेक्स्ट टॉपिक लेवल पर एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म इन ए ट्रॉफिक लेवल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, कैन बी ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉफिक लेवल बी रिमूव्ड विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द इकोसिस्टम। यानी कि विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म, अगर किसी भी ट्रॉफिक लेवल के, किसी भी ट्रॉफिक लेवल के सारे ऑर्गेनिज्म को अगर हम रिमूव कर दें तो क्या उसका कोई प्रभाव होगा। भाई बिल्कुल प्रभाव होगा, यस। इफ वी रिमूव ऑल द प्रोड्यूसर, अगर हम किसी भी ट्रॉफिक लेवल के, मान लिया प्रोड्यूसर को अगर हम रिमूव कर देंगे, प्रोड्यूसर को अगर हम रिमूव कर देंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर विल द अफेक्टेड, तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो जाएंगे, उसे उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इंस्टेंटली सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल विल अफेक्ट आफ्टर ए गैप, इससे फिर सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल पर भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रास, डियर और लॉइन में अगर हम ग्रास को ही खत्म कर देंगे तो भाई डियर भूखे मर जाएंगे, डियर भूखे मर गए तो लॉइन भी भूखे मर जाएंगे, यानी टेरिटरी कंज्यूमर भी मर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, इफ विल द वेस्ट, इफ ऑल द वेस्ट जनरेटेड इन बायोडिग्रेडेबल विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। यानी बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है क्या एनवायरनमेंट पर उसका कोई असर पड़ता है? हाँ पड़ता है, लेकिन बहुत कम समय के लिए। इट विल हैव ओनली शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, ये केवल थोड़े समय के लिए एनवायरनमेंट पर इफेक्ट डालता है। द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स का जो एक्शन होता है वो विल स्लो डाउन, बहुत ही कम होता है। कहने का मतलब भाई डिकम्पोजर जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल को जल्दी से डिकम्पोज कर देते हैं ना, ठीक है, तो इसका मतलब बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही कम समय के लिए ये एनवायरनमेंट पर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत समय के लिए, जब तक ये डिकम्पोज नहीं रहते तब तक ये एयर और वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ लंबे समय के लिए देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑन द एनवायरनमेंट, लेकिन लंबे समय के लिए कोई असर नहीं डालते ये एनवायरनमेंट पर। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन, फूड चेन के लिए क्या क्या लिमिट्स होती हैं, कहने का मतलब फूड चेन में जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं उनकी लिमिट्स होती है, क्या लिमिट होती है वो, देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी एज वी गो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट। यानी जैसे जैसे हम वन ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जाते हैं तो एनर्जी का लॉस होता जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द हार्म ऑफ क्ले कप्स, अगर हम क्ले मिट्टी के कप बनाने लग जाएं तो क्या हो जाएगा भाई, क्ले कप्स कॉज डिप्लीशन ऑफ टॉप फर्टाइल सोइल, ये हो जाएगा कि जो हमारी टॉप फर्टाइल सोइल है उसका लॉस हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगी, एज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम, जिससे कि वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, स्टेट वन रीजन टू जस्टिफाई द पोजिशन ऑफ मैन एट द अपेक्स ऑफ मोस्ट फूड चैन, यानी कि फूड चैन में जो मैन है वो क्या माना जाता है, मतलब इंटेलिजेंट पर्सन माना जाता है उसे, है ना, तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका आंसर आपको लिखना है, बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म, भाई आदमी जो होता है वो इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म है एंड कैन टेक एनी
एडवांटेजियस पोजिशन बाय द मैनिपुलेशन, जो कि एक फिक्स पोजिशन को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका विच फूड चेन आर एडवांटेजियस इन टर्म ऑफ एनर्जी, कौन सी ऐसी फूड चेन है जो ज़्यादा एडवांटेजियस है। भाई ऐसी फूड चेन मैंने आपको बताया जिसमें सबसे कम ट्रॉफिक लेवल होंगे वो सबसे ज़्यादा एडवांटेजियस होगी, जैसे टू स्टेप की फूड चेन, जैसे हमारे प्रोड्यूसर बाद मैन यानी कि प्लांट्स और मैन, ये सबसे छोटी फूड चेन है। भाई अगर फूड चेन छोटी होगी तो एनर्जी का ट्रांसफर ज़्यादा होगा, है ना, तो इसलिए लाभदायक होगी। नेक्स्ट राइट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर अगर खत्म हो जाएगी तो क्या क्या नुकसान होगा, भाई स्किन कैंसर हो जाएगा हमें, आईज को डैमेज कर देंगी वो और हमारे इम्यून सिस्टम को खत्म कर देंगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन द इट्स बॉडी, इनमें से किन में केमिकल हार्मफुल केमिकल कंसंट्रेशन जो होगा वो हार्मफुल होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब हार्मफुल केमिकल का जो कंसंट्रेशन है सबसे ज्यादा किस में होगा, पिकॉक में, फ्रॉग में, ग्रास में, स्नेक में, ग्रास ओवर में, सबसे ज्यादा पिकॉक में होगा। क्यों? क्योंकि पिकॉक सबसे लास्ट ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं, इसलिए वो जो हार्मफुल केमिकल का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है, एक्युमुलेशन हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाई एनर्जी ऑफ हर्बीवोरस नेवर कम बैक टू द ऑटोट्रॉफ, ये हर्बीवोरस की जो एनर्जी होती है वो कभी भी ऑटोट्रॉफ पर यानी प्लांट्स पर द्वारा लौट के नहीं जाती। क्यों? क्योंकि बिकॉज फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, क्योंकि एनर्जी का जो फ्लो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। सो इसलिए वंस इट पासेज द ट्रॉफिक लेवल इट इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल, यानी कि जब ये एक बार पास हो जाता है नेक्स्ट वाले पर तो ये कभी भी वापस लौट कर नहीं आता, क्योंकि वो भी एनर्जी दूसरे पर ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट है गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस एंड ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन, यानी कि ट्रॉफिक लेवल का जो फूड चेन में करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है, वो ये है ना, प्रोड्यूसर को खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्टियरी खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डीडीटी हैज एंटर्ड फूड चेन विच हैव ए सेफर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, डीडीटी जब फूड चेन में एंटर कर जाती है क्रॉप्स के जरिए, तो इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि वेजिटेरियन खाना ज़्यादा सेफ है या नॉन वेजिटेरियन खाना ज़्यादा सेफ होता है, तो देखते हैं भाई। वेजिटेरियन हैबिट से सेफर बींग क्लोजर टू प्रोड्यूसर, यानी वेजिटेरियन जो खाना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेजिटेरियन जो खाना है वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बायो हार्मफुल केमिकल का कंसंट्रेशन कम होता है। अगर क्रॉप्स को कोई हर्बीवोरस खा लेगा, हर्बीवोरस को अगर हम खाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें डीडीटी का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट पेड़ पौधों को खाएंगे तो उसमें केमिकल कम होता है, मतलब कम कंसंट्रेशन हो पाएगा उसका। ठीक है, इसलिए वेजिटेरियन जो खाना होता है वो क्या होता है, प्रोड्यूसर लेवल के बिल्कुल पास में होता है, जिससे डीडीटी का एक्युमुलेशन कम हो जाता है हमारी बॉडी में और बायो मैग्निफिकेशन टू लीड हायर लेवल ऑफ डीडीटी इन हायर ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा हायर ट्रॉफिक यानी जितने ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पर अगर हम पहुंच जाएंगे, थर्ड पे या फोर्थ पे पहुंच जाएंगे, तो उसमें डीडीटी का एक्युमुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट यानी कि छोटी जो फूड चेन होती है जैसे प्लांट्स और मैन की, तो मैन पर डीडीटी की मात्रा कम पहुंचेगी। नेक्स्ट है एक्वेरियम रिक्वायर्स रेगुलर क्लींजिंग वेयर लेक्स नॉर्मली डू नॉट वाई, एक्वेरियम जो बनाए जाते हैं उसमें साफ सफाई करने की ज्यादा जरूरत पड़ती है, जबकि लेक्स जो होती है मतलब झील वगैरह जो होती है उनको साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप हो जाती है साफ, क्योंकि नॉर्मली अ लेक हैज मोर डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड सो लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स, यानी कि जो झील होती है उसमें कई नंबर ऑफ फूड चेन पाई जाती हैं। दिस लीड्स टू नेचुरल क्लींजिंग, अगर उसमें कई सारी फूड चेन होंगी तो वो एक दूसरे को भाई एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा लेंगे, इससे क्या हो जाएगा वो सारी चीज़ें खत्म होती चली जाएंगी। लेकिन इसीलिए इकोसिस्टम जो होता है वो मोर स्टेबल माना जाता है। ठीक है, जबकि एक्वारियम जो होता है उसमें वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ फूड चेन होती है, यानी फूड चेन बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है, एंड अनेबल टू सस्टेन स्टेबल, अगर फूड चेन कम होगी इसका मतलब वो एक दूसरे को खत्म नहीं कर पाएंगे, और नहीं खत्म कर पाएंगे तो उसमें एल्गे वगैरह हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि एल्गे की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे साफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हाउ विल एक्युमुलेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इफेक्ट अवर एनवायरमेंट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो हमारे एनवायरमेंट पर क्या असर डालता है, मैंने आपको बताया था पहले भी, बहुत ही कम समय के लिए वो असर डालता है। नाउ लेट मिनरल्स रिटर्न टू द मिनरल पूल बिकम साइट ऑफ पेस्ट ब्रीडिंग, कहने का मतलब हमारी जो एनवायरमेंट में बहुत ही कम समय के लिए वो इफेक्ट डालेगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, आप इन्हें जरूर पढ़ लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप पेपर्स में जाने से पहले अगर आप इनको देख लोगे तो आपको गारंटीड इनमें से बहुत सारे मिल जाएंगे।